हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हिंदी लिटरेचर लेसन 15। ऑनलाइन शॉपिंग क्या है? देखिए आजकल चल रही है बहुत ऑनलाइन शॉपिंग, आप भी जानते होंगे। तो इसको कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे की जाती है इस चैप्टर में बताया गया है, उसका क्या महत्व है ना। तो आजकल के समय में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं। लोगों के पास समय की बहुत कमी है, वस्तुओं खरीदने का समय नहीं मिल पाता है, इसी कारण इंटरनेट का युग आ गया है। घरेलू वस्तुओं की खरीदारी से लेकर रेलवे टिकट, बैंक लेन देन, शॉपिंग के, हवाई यात्रा की बुकिंग इंटरनेट के माध्यम से की जाती है। विदेशों की तरह भारत में भी ऑनलाइन शॉपिंग के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ गया है। ऑनलाइन शॉपिंग का अर्थ है इंटरनेट के माध्यम से किसी वस्तु अथवा सेवा का खरीदना। इससे घर बैठे बैठे कंपनियों का संपर्क कर उत्पादों को खरीदा जा सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग से कम समय में वस्तुओं का दाम विवरण के बारे में पता चल जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग सुविधाजनक है। ऑनलाइन शॉपिंग की शुरुआत इंग्लैंड में माइकल आर्टरिच ने 1979 में की थी। उस समय इसका प्रयोग टेलीविज़न से किया। वह टेलीविज़न पर वस्तुओं को देखकर ग्राहक अपना ऑर्डर टेलीफोन के माध्यम से दे सकता था। ऑनलाइन कंपनियां डिस्काउंट कूपन भी देती थी, जिससे खरीदार की बचत होती है। ऑनलाइन शॉपिंग में कई किस्म के ब्रांड होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग से एक उत्पाद की गुणवत्ता दूसरे उत्पाद की गुणवत्ता यानी क्वालिटी की तुलना की जा सकती है। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग साइट भी भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, मिंत्रा और भी काफ़ी हैं। Amazon.com कंपनी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों में सबसे बड़ी है। इस कंपनी के पास 2,30,500 कर्मचारी काम करते हैं। कुल संपत्ति 65,500 मिलियन है। निश्चित समय पर डिलीवरी, यदि कोई सामान खराब निकलता है तो जल्दी ही वापसी की सोच इसकी विशेषता है। ये दूसरी कंपनियों से अलग है। ये कंपनियां स्वयं निर्माण नहीं करती, 24 घंटे सेवा देती हैं, जैसे ग्राहकों को परेशानी नहीं होती। इसका आरंभ 5 जुलाई 1994 में अमेरिका नागरिक सेफ बेजोस से की। ऐसे ही और भी कंपनियां हैं जो अपनी गुणवत्ता दिखा रही हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी अमेज़न को कहीं टक्कर दे रही हैं। फ्लिपकार्ट 2007 में दो भारतीय युवकों सचिन और बिन्नी बंसल में 10,000 रुपये से ही पूंजी से की थी। 2011 में राधिका अग्रवाल ने shopglues.com भारतीय ई कॉमर्स कंपनी सस्ते सामान अच्छे डिस्काउंट से शुरू की थी। फरवरी 2010 में कृपाल बहल ने स्नैपडील में अपना स्लोगन बचाते रहो देखकर शुरू की थी। 2010 में विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की शुरुआत की थी। ये रिचार्ज की दुनिया की शहंशाह है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी सामान का ऑर्डर दे रहे हों तो उसी समय उसकी पूरी कीमत देख लें, और यह भी देख लें कि आप जिस वस्तु का ऑर्डर दे रहे हैं वह कोई वास्तविक कंपनी है भी या नहीं, क्योंकि कई नकली कंपनियां भी बाज़ार में आ गई हैं। इसमें ऑनलाइन है हमारी ज़िंदगी सरल, ऑनलाइन से हमारी ज़िंदगी सरल और सुविधा बता दिया है कि हमारी ज़िंदगी में ऑनलाइन की क्या महत्व है। घर बैठे शॉपिंग कर सकते हैं, घर बैठे हम सारा काम कर सकते हैं, और इसी कई कंपनियां हैं जो हमको इससे हमको जोड़ती हैं। तो ये चैप्टर आपको ढंग से पढ़ना है, और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस चैप्टर में दी गई है। ओके स्टूडेंट्स।